बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ, आपको लगता होगा कि मैं इतना डीप क्यों जाता हूँ, लेकिन रूट्स हैं आपके, रिलेशंस हैं, अगर आपको एंड पता है कि कहाँ जाना है ना, तो आप स्टेप, आपका फर्स्ट स्टेप अच्छा होगा, है ना। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था अष्टांग मार्ग में, जो नॉलेज आप आठ जो पाथ है ना उनके, तो उनके आगे एक शब्द है राइट नॉलेज, राइट 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 राइट, तो राइट नॉलेज, और ये जरूरी है राइट नॉलेज, आप बीएड कर रहे हो उसकी भी राइट नॉलेज चाहिए, आप बिल्कुल पेन आपके जायज है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे, इस वीडियो में बता रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट चॉइस एंड टीईटी एग्जाम, आपने जो सब्जेक्ट चॉइस अभी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के वक्त फिल करनी है, चूज करना है, क्या उसका टीईटी के साथ कुछ संबंध है, शायद कोई भी ना हो, लेकिन हम जान ले सब बात टीईटी की जब करते हैं यहाँ, तो टीईटी जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक तो स्टेट का है ओके, और दूसरा हो गया सेंटर का, सीबीएसई के स्कूल में किसी भी में जाना है तो सीटी एट चाहिए, सेंटर का टीईटी है ना, सिलेबस लगभग सेम ही है, और स्टेट का, जो स्टेट हमारी अगर क्या है, कौन सी है, पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट टीईटी, इसलिए इसको बोलते हैं पी एस टेट है ना। तो पी एस टेट में पिछले साल से कुछ चेंजेस आए हैं, नॉर्मली क्या है कि जब आप सेंटर के या किसी और स्टेट के भी फिल करते हो टीईटी के, आपसे पूछा जाता है कि आप पेपर वन या पेपर टू, जो अभी मुद्दा जो बीटीसी का राजस्थान का आया ना केस, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि पेपर वन ईटीटी वाले फिल कर सकते हैं और पर टू जो है बीएड वाले फिल कर सकते हैं, अलग कर दिया गया है इनको। इसके अलावा इसमें दो डिवीजन्स की हैं, ब्रॉड डिवीजन, वो डिवीजन्स क्या हैं, एक है कि साइंस एंड मैथ्स वाले बच्चे जो एक तरफ कर दिए गए हैं कि आपने पेपर ये देना है, दूसरी तरफ सोशल साइंस के कर दिए गए, बस आपका कुछ भी है आपकी ये डिवीजन है सोशल साइंस या आप साइंस किस स्ट्रीम के हो, लेकिन पंजाब स्टेट ने थोड़ा थोड़ी वेरिएशन लाए हैं। वो सबसे पहले ये समझ लें कि है क्या पंजाब स्टेट के इसमें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें यहाँ पर तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये पंजाब का टीईटी है 2000, ये पैटर्न है, किसी को ने मतलब टीईटी का पैटर्न है, तो फर्स्ट जो है पेपर टू का है, बीएड वालों के लिए है ये सिर्फ, क्योंकि राजस्थान वो जो विवाद चल रहा था उसका केस आया है पेपर टू, अब बीएड वालों के लिए है। फर्स्ट आपका पेपर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको सीडीपी कहते हैं, लार्जली इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज, फंडामेंटल थ्योरीज, इंक्लूजन बच्चे की कैसी करनी है, तो ये इसका मेन पार्ट आप बीएड में भी पढ़ोगे। इसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स का होगा, और इसकी इंपॉर्टेंट ये पी वाली है, मैं बार बार हर बार यही समझाऊंगा, पी पी फॉर पैडागॉजी ना, पैडागॉजी ने आगे चल के जो आगे एमसीक्यू बनने हैं इसी फंडामेंटल थ्योरीज ने उस पर अप्लाई होना है, दैट इज व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पेपर ये है। दूसरा आपकी लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज टू है, दो दो कंपल्सरी है, इंग्लिश पंजाबी जो पी एस टेट में है, ये होगी 30 क्वेश्चन इसके, लैंग्वेज वन के, लैंग्वेज टू के है, 30-30 मार्क्स का है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जैसे दो डिवीजन लिखी गई है, ये पुराना पैटर्न है, फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, जो मैथ्स एंड साइंस की बात पीछे करके आया हूँ, उनके 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स की, अगर जहाँ आप ये चूज करोगे मैथ्स या सोशल साइंस टीचर है ना, ये चूज करोगे उनके भी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, लेकिन पंजाब स्टेट का ये पैटर्न अब पुराना है, नया पैटर्न जो आया है उसमें क्या हो गया है कि ये डिवीजन बढ़ा दी गई है, अब ये सिर्फ मैथ्स की नहीं रह गई, ये डिवीजन 8 बन गई है। कौन कौन सी हैं कि आपकी स्ट्रीम जहाँ तो हो सकती है, येलो वाला ले लें, मैथ्स और साइंस की, ये सीटेट में कॉमन था, सोशल साइंस की पहले ये दो थी है ना, अब फिजिकल एजुकेशन वाले क्या करें, ले पंजाब के टेट में अब फिजिकल एजुकेशन वाले अपनी ऑप्शन इनसे डिफरेंट फिल कर सकते हैं, जिनको 60 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के आएंगे, 60 मार्क्स का होगा। ऐसे ही अगर आर्ट क्राफ्ट है तो आप फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, मैथ नहीं फिल करोगे, आपके क्वेश्चन आर्ट एंड क्राफ्ट में से आएंगे, कौन से 60 है ना, इनके मैथ्स और साइंस में से आएंगे 60, इनके सोशल साइंस में से आएंगे 60 क्वेश्चन, इनके होम साइंस
अगर आपने ऑप्ट किया है उनके उनमें से आएंगे। संस्कृत म्यूजिक उर्दू, हाँ म्यूजिक वाले तो होते हैं, संस्कृत और उर्दू वाले बहुत कम मिलते हैं पर जीरो नहीं कह सकते, उनके उनमें से आएंगे। हो क्या रहा है सीटेट में, क्या हो रहा है, ये आपकी कोई भी स्ट्रीम है आप इनकी जगह पे इन दोनों में से ही एक चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल उर्दू, संस्कृत, होम साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, इनको नॉर्मली ये सोशल साइंस चूज करते थे। और बड़ी अजीब बात है, अब कुछ भी चूज करके पेपर दे दो, पेपर क्लियर चाहिए, क्यों? नेचुरली है कि अगर आप ग्रेजुएशन में सोशल साइंस पढ़ के आएगे आप मैथ के क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे, अगर आप मैथ और साइंस पढ़ के आएगे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इसके जवाब अच्छी तरह से नहीं दे पाओगे। इट मींस मंद क्या है जो वीडियो है ये, कि जो आप ग्रेजुएशन में, बीए में, सॉरी ग्रेजुएशन लिखते हैं यहां पर, यहां लिख दिया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में जो पढ़ के आए हो उसके बेस पर ही आपने पैडागॉजी सब्जेक्ट चूज किए, और पैडागॉजी सब्जेक्ट जैसे चूज किए उसी के हिसाब से टीईटी में आप इसका एग्जाम दोगे। अब इस फर्दर डिवीजन को 60 वाले को भी समझ लेना चाहिए, ये 60 के 60 जो क्वेश्चन है इनमें से आपके 45 जो प्योरली ग्रेजुएशन के, वैसे तो स्कूल लेवल के, उन कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे जो स्कूल एजुकेशन में है, मतलब 45 क्वेश्चन 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की बुक, जहाँ आपकी स्टेट बुक जो है उनमें से होंगे। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस के हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के 45 क्वेश्चन वो होंगे, मैथ्स और साइंस के ये 45 होंगे, है ना, आर्ट ये बाकी सब्जेक्ट के 45 होंगे, बाकी 15 कौन से होंगे, वो पैडागॉजी ऑफ मैथ्स एंड साइंस, पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, पैडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पैडागॉजी क्या होगी, जो फर्स्ट थ्योरीज बड़ी थी टीचिंग लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे उसको अप्लाई कैसे करना। तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये 45 जो क्वेश्चन है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बचते हैं, बाकियों की तैयारी हो जाती है। ये इनका स्कोप क्वेश्चन इतने वास्ट हैं कि ये आपको डुबो भी सकते हैं, और आप हाई मार्क्स, क्योंकि सिर्फ 90 वाला पास होता है जैसे जनरल कैटेगरी का, तो 90 लेके बैठ नहीं जाना, हमने 120 30 अगर जॉब लेनी है इससे ज़्यादा गेन करने हैं, क्योंकि इसके जो स्कोर हैं पीएसटेट के, अब स्कोर हैं हो, कई बार गवर्नमेंट शामिल करती है कई बार नहीं करती, एक बार किए हैं एक बार नहीं किए, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको शामिल करने के लिए कहा है, सिलेक्शन टेस्ट प्लस पीएसटेट, ये प्रोबेबिलिटी है दोनों के बेस पर मेरिट बने, दैट इज वाई आपको ज़्यादा गेन करना है। ज़्यादा गेन करने के लिए आपको सब्जेक्ट च्वाइस अच्छी तरह से चूज करनी है, और वो अभी आपका वक्त है, अगर वो रॉन्ग च्वाइस यहाँ पर हो जाती है, आप रॉन्ग च्वाइस चूज करते हो तो नेचुरली है आपको रॉन्ग 45 क्वेश्चन से फाइट करना पड़ेगा, जो लगभग सैडनेस एंड डिप्रेशन की एक स्टेट हो सकती है। सो दैट इज व्हाई जब आप ये फिल कर रहे हो अपने मन में, ये 8 कैटेगरीज में से एक जो है कैटेगरी फिक्स कर लो, दो कैटेगरी फिक्स कर, दो भी हो सकती है क्योंकि सोशल साइंस और फिजिकल साइंस कईयों का कॉम्बिनेशन है, तो वो क्या करेंगे, तो ये अभी आगे चल के और विवाद भी पैदा होंगे, लेकिन एक पक्की फिक्स कर लो कि इसका मैं टीचर बनना चाहता हूँ, और उसके 45 क्वेश्चन ये हम पढ़ेंगे, मैं सोशल साइंस की तैयारी करवाऊंगा, सिलेक्शन टेस्ट की भी और पीएसटेट की भी, और बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, मैथ्स के, साइंस के, सोशल के, आर्ट के, संस्कृत के, उर्दू के, बाकी 15 क्वेश्चन प्लस बाकी जो 3 पेपर हैं उनकी तैयारी यहाँ होगी। ये भी हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट के भी अरेंज करके किसी टीचर को साथ लेके इनकी तैयारी आपके करवाऊँ। तो ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपने सब्जेक्ट चॉइस की उसी के 45 या 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए हो गया टेस्ट क्लियर हो गया, आगे जॉब आ गई, जॉब में सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट में अब क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट में 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन, यहाँ 45 थे ना, जो यहाँ 45 क्वेश्चन पूछे गए थे वही एक्सटेंड होके थोड़ा डिफिकल्ट हो गए 150 क्वेश्चन बनने। मीन्स क्या हो गया, टीईटी और इसके बीच भी संबंध है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस जो है 45 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे ना, तो ये जो सिलेक्शन टेस्ट में है सारे आपको सोशल साइंस के आएंगे, बाकी कोई और को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जो अभी आप चूज करोगे लास्ट में इसी के साथ टोटल फाइट होगी, वो सिर्फ आप एनसीटी की जो है 6th से 10th तक जहाँ
प्लस टू तक नहीं पढ़ोगे, फिर आपको ग्रेजुएशन की भी पढ़नी पड़ेगी, दूसरी स्टेट्स के पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, वो आप हम साथ साथ में करेंगे जब सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करनी है। ये बताना चाहता था कि जो आप पेपर ये फिल कर रहे हो, चॉइस फिल कर रहे हो, वो TET से गुजरती हुई यहाँ तक सिलेक्शन टेस्ट तक जाए, जो आपका अंतिम युद्ध जॉब के लिए नहीं, उस युद्ध उसके बाद सॉफ्ट युद्ध है, उसके बाद सॉफ्ट स्किल है, अपने स्कूल में कैसे रहना है, अपने रिश्ते अच्छे कैसे बनाने हैं, अपने डिफरेंसेस को मैनेज कैसे करना है, अपने खुशी पैदा कैसे करनी है। रियल युद्ध वो है, ये रियल युद्ध नहीं है, पर ये भी लड़ना है। थैंक यू।